Well, hello everyone. Welcome to my another lecture. Today we are talking about a wonderful lecture. Today we are going to learn about the preposition. आज हम फिर से preposition के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. हम अक्सर confused होते हैं कि prepositions क्या होते हैं और कहाँ पर use करें, कैसे use करें. जब tests देने जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे prepositions होते हैं, तो वहाँ पर हैरान होकर बैठ जाते हैं, अब कैसे preposition use करें. आज हम एक और preposition पढ़ने जा रहे हैं, एक और प्रीपोजिशन को क्लियर करने जा रहे हैं कि वो कौन सा प्रीपोजिशन. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इन प्रीपोजिशन, इन और एट. इनका मकसद क्या होता है आपका, मैं. ठीक है, ठीक है. अब कंफ्यूजन ये होती है कि एट कहाँ पर यूज़ करते हैं, इन कहाँ पर यूज़ करते हैं. डी आज के बाद आपकी वो कन्फ्यूजन ख़त्म, हमेशा हमेशा के लिए आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा. डी आज से हम इनको क्लियर करने जा रहे हैं कि इनको कहाँ पर यूज़ करते हैं. ठीक है, एट को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा वो आपका एट होगा. रही ठीक है. रही अब हम आते हैं इन, कि इन कहाँ पर यूज़ करते हैं. लेट्स बिगिन है, लेट्स कमेंस है. ठीक है, यहाँ पर इन सबसे पहले कहा गया है कि इन आपको विथ टाइम यूज़ करनी होती है. कहाँ पर यूज़ करनी होती है, विथ टाइम. जैसे कौन सा, जैसे इन जनवरी. इन जनवरी मतलब जो ईयर के 12 मंथ होते हैं, विथ ऑल मंथ्स नेम ऑफ मंथ्स. ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. इन सब के साथ बेफिक्र होकर आपको इन यूज़ करनी होती है. ये उसके बाद हम इन जून हो गया. ठीक है, इन थ्री डेज ये भी आपका क्या है, टाइम है. डी है, ठीक है. इन समर ये भी आपका टाइम है. इन विंटर ये भी आपका टाइम होता है. सीजन जो होते हैं, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग. ठीक है, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग. ठीक है, इन द आफ्टरनून, इन द, उसके बाद इन द नाइट भी यूज़ कर सकते हैं. ये जैसे मैंने एग्जांपल लिखे ताकि आपको और मतलब क्लैरिफिकेशन मिल जाए. ये यहाँ पर मैंने लिखा है आई वेंट टू लंदन इन जनवरी. इन जनवरी आपका क्या है, टाइम है, जो हमने इन लगानी है वहाँ पर. आई वेंट टू लंदन इन जनवरी में लंदन गया. ठीक है, आई हैव डन दिस असाइनमेंट इन थ्री डेज. आई हैव डन दिस असाइनमेंट इन थ्री डेज. ठीक है, मैंने ये असाइनमेंट तीन दिनों में कंप्लीट कर दी थी. ये थ्री डेज आपका क्या है, टाइम है. तो हमने इन लगाई है. डी आई गोट इस्लामाबाद इन समर. मैं समर में इस्लामाबाद जाता हूँ. डी ठीक है. डी अब समर आपका क्या है, टाइम है, तो हमने इन लगा लिया. ठीक है, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. द मॉर्निंग के साथ हमने क्या यूज़ करना होता है, इन यूज़ करना होता है. तो हमने इन द आफ्टरनून, इन द नाइट के साथ आपको. ठीक है, अब एट कहाँ पर, एट भी यूज़ करते हैं. अगर यहाँ पर ज़ ना होगी तो यहाँ पर इन मॉर्निंग नहीं होता, एट मॉर्निंग होता. यहाँ पर अगर ज़ है तो आपको फिर इन यूज़ करनी होती है. ठीक है जी, उसके बाद नंबर सेकंड कहाँ पर इन यूज़ करेंगे, इन करेंगे विथ प्लेसेस. इन कहाँ पर यूज़ होती है, विथ प्लेसेस, जगहों के साथ. दिए जैसे मैं इन पाकिस्तान, इन इंडिया. ठीक, इन अपेंगे जी हमारे क्या होती हैं, प्लेसेस होती हैं. दिए ठीक है, मैंने एग्जांपल लिखा है आई लिव इन पाकिस्तान कंट्री. मैं एक पाकिस्तान मुल्क में रहता हूँ. दिए इन पाकिस्तान, इन हमने क्यों लगा, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारे क्या है, प्लेस है. दिए ठीक है, आई वर्क इन अ बैंक. मैं बैंक में काम करता हूँ. दिए बैंक आपके क्या है, प्लेस है, जगह है. दिए ठीक है, उसके बाद होता है कि इन या इनसाइड. ये कहाँ पर, यहाँ पर लिखा है विद सम ऑब्जेक्ट्स. इन हम वहाँ पर विद सम ऑब्जेक्ट्स के साथ भी यूज़ करते हैं. कौन से ऑब्जेक्ट्स, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है. ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया आई सॉ अ पिक इन योर मोबाइल. दिए मैंने क्या देखी, मैंने पिक देखी, तस्वीर देखी आपकी मोबाइल में. तो मोबाइल एक आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है. मीन्स जो मोबाइल है ना, वो जो पिक्चर है ना, पिक्चर वो उसकी मोबाइल में पड़ी है. ऐसे नहीं है कि जैसे वॉलपेपर, नहीं, उसकी मेमोरी में अंदर वो पिक पड़ी है. डी ठीक है, डी उसके बाद मैंने एक लगा दिस सॉन्ग इज़ इन योर कंप्यूटर. ये सॉन्ग, ये गाना आपके कंप्यूटर में है. मीन्स आपकी जो, आपका जो कंप्यूटर ना, जो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी है ना, उसमें अंदर पड़ा है. तो आप वहाँ पर इन यूज़ कर सकते हैं. ये आपको वहाँ पर इन यूज़ करना होता है. ठीक है, वी हैव मैनी फिल्म्स या मूवी भी कह सकते हैं, बोथ आर सेम. डी इन अ टेप. डी वी हैव मैनी फिल्म इन अ टेप. डी मीन्स हम, इसका मकसद कि हमारे क्या है, इसका मकसद क्या होता है, वी हैव मैनी फिल्म इन अ टेप. मीन्स हमारे पास बहुत फिल्म हैं. टेप आपका क्या होता है, एक टैबलेट जिसको होती है. ये इट्स सिमिलर, इट्स लाइक अ मोबाइल. डी ठीक है, ये था हमारा एंडी. सो उम्मीद है कि आपको
उम्मीद है कि आपको इनका लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम हम एट के बारे में पढ़ेंगे कि एट कहाँ पर यूज़ करते हैं ये। सो इफ़ यू हैव वॉच इफ़ यू हैव लाइक्ड माई वीडियो सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।